हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड मस्ती। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंडिपेंडेंस डे के लिए एक सिंपल सी ड्रॉ बनाना। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर ले रही हूँ और आपको एक कॉर्नर में इस तरीके से कलर को फैलाने हैं स्काई ब्लू को, और हल्की सी आपको इसे एक क्लॉथ की मदद से इस तरीके से रब कर देनी है हल्के हाथों से। अगेन इसके ऊपर सेम प्रोसेस में आपको थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर लेनी है और इसे भी इसी तरीके से फैलानी है, और इसे भी मैं इसी तरीके से जैसे स्काई ब्लू को रब की हूँ इसे भी आपको सेम इसी तरीके से करनी है। आपको हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर को इस तरीके से फैलाते जाना है। अब आपको यहाँ पे लाइट ऑरेंज कलर लेना है जो कि हल्की सी येलो शेड में है, और इसे आपको धीरे धीरे इस तरीके से फैलाते जाने हैं हल्के हल्के करके। और सेम इसी प्रोसेस में आपको इसके ऊपर में डार्क ऑरेंज कलर डालनी है जिसे केसरिया रंग भी कहते हैं, तो इसे भी आपको इस तरीके से फैला के थोड़ी सी डार्क कर लेनी है। और अब आपको एक क्लॉथ की मदद लेनी है और इससे आपको धीरे धीरे करके इसे रफ करते हुए थोड़ी थोड़ी कलर को बाहर की ओर फैलानी है इस तरीके से। सेम अब आपको यहाँ पे व्हाइट कलर से करनी है, व्हाइट के साथ आप थोड़ी थोड़ी ग्रे कलर डालना जिससे कि आपकी व्हाइट कलर थोड़ी सी उभर के दिखेगी, क्योंकि इस आपकी जो पेपर है वो भी व्हाइट है, तो इसमें थोड़ी सी आपको ग्रे कलर डालनी है इस तरीके से। तो आपको सेम इसी तरीके से ग्रीन कलर को भी करनी है थर्ड वाले जेड के साथ, तो ग्रीन कलर को आपको लाइट ग्रीन कलर लेने इस तरीके से फैलाते जाने हैं, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको डार्क ग्रीन कलर डालनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सिंपल वे में एक ड्रॉ तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे दूसरों से भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।